पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा पर निकले प्रतापगढ़ के सुंदरम आज बिलासपुर पहुंचे। पांच राज्यों में अपनी साइकिल यात्रा पूरी करने के बाद हिमाचल प्रदेश छठा राज्य है जहां उनकी साइकिल यात्रा चली है। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए सुंदरम ने पहले चरण में 1,25,000 पौधे लगाए, जिसके बाद स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों व समाज के लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के मकसद से उन्होंने ये साइकिल यात्रा शुरू की है। अप्रैल 2019 से लखनऊ से शुरू हुई सुंदरम की ये साइकिल यात्रा उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड से होती हुई हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में आ पहुंची है। इसके बाद उनकी यात्रा पंजाब से होती हुई जम्मू, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारतवर्ष में घूमेगी। जी नमस्कार, मेरा नाम सुंदरम है। मूलतः मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 2.5-3 वर्ष से यात्रा कर रहा हूँ। अभी तक 200 जिलों में जा चुका हूँ। जैसे आपने मेरी टी शर्ट पर देखा होगा, पर्यावरण संरक्षण संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा, तो मैं यह पूरी यात्रा साइकिल पे कर रहा हूँ और अभी तक मैंने 1,25,000 पौधे लगाए हैं। मैं इसमें दूसरे टर्म में ये कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, बिहार और नेपाल में जाकर पौधारोपण किया। अब मूलतः मेरा ज़्यादा जाना विद्यालयों में रहता है, क्योंकि विद्यालयों में जाके बच्चों को पर्यावरण के संबंधित जानकारी देना कि वर्तमान में देश की स्थिति क्या है, और उसके बाद बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताना और अधिक से अधिक उनसे निवेदन करना कि वह अपने देश में जो ये प्रदूषण की समस्या है, जैसे भारत में आप टॉप 10 वर्ल्ड के पोल्यूटेड सिटी में देखेंगे 8 भारत से हैं, टॉप 50 में 33 भारत से हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्म और सोचने का विषय है कि जिस देश में हम पीपल, बरगद, पाखड़ को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में पूजा करते हैं, आज उस देश में भारत के टॉप 50 पोल्यूटेड शहरों में 33 भारत से हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है। तो मैं ज़्यादातर स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों को पर्यावरण के संबंध में बताता हूँ कि देश उनका है तो उनको ही स्वच्छ रखना है इस देश को। इन विषयों का लेकर मैं यात्रा पर हूँ। मैंने यात्रा 7 अप्रैल लखनऊ से प्रारंभ करी। लखनऊ से होते हुए मैं पूरा उत्तराखंड, उत्तराखंड से हिमाचल, हिमाचल में आज मैं बिलासपुर में पहुँचा हूँ, और यहाँ पर मैं जाके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को विद्यालयों में बताना है कि पर्यावरण को प्रति जागरूक करना है। और अभी तक मैं लगभग 18 से 19 हज़ार विद्यालयों में जा चुका हूँ अपने इन विषयों को लेकर। कि जैसे आपने हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में बहुत सारे लैंडस्लाइड का जो खतरा हो रहा है, बहुत सारे जल स्रोत सूख रहे हैं, वह कहीं ना कहीं पर्यावरण का प्रभाव है। अगर आपको भी जानकर हैरानी होगी कि भारत में 700 प्रकार के जो पक्षियों की प्रजाति थी वो विलुप्त हो चुकी है पूर्ण रूप से, और वनस्पति की बात करें तो 1500 वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो आज भारत से विलुप्त हो चुकी हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचने का विषय। इन्हीं विषयों को लेकर मैं यात्रा पर निकला हूँ और आज आप सभी के बीच मध्य बिलासपुर में पहुँचा हूँ। धन्यवाद। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी तक किलोमीटर में तो मैं कैलकुलेट नहीं करता, मैं राज्यों में कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका अभी उत्तराखंड और हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों को मैं 5 राज्य तक अभी कवर कर चुका हूँ, और हिमाचल मेरा चल रहा है। हिमाचल के बाद पंजाब होते हुए जम्मू, फिर उसके बाद जम्मू से वापस पंजाब होते हुए राजस्थान, और आगे धीरे धीरे ऐसे बढ़ना है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आगे ऐसे नॉर्थ ईस्ट, पूरा ऐसे पूरे देश में जाना है और अधिक से अधिक लोगों से मिलना है और अधिक से अधिक विद्यालयों में जाके बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इन विषयों को लेकर मैं भारत की यात्रा पर निकला हूँ। साइकिल मैं इसलिए उपयोग करता हूँ कि साइकिल एक ऐसा संसाधन है जिसमें हम किसी प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करते, और साइकिल चलाकर हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। जैसे कि भारत में आदरणीय अनुराग ठाकुर जी आपके हिमाचल के रहने वाले हैं, फिट इंडिया कैंपेन के वही अभी मिनिस्टर हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है कि फिट, शरीर को फिट रखना है और पर्यावरण में अप्रत्यक्ष रूप से साइकिल चलाकर हम सहयोग करते हैं। इन विषयों को लेकर यात्रा पर निकला। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।